तूने सका भरा होने के बावजूद मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, मैं तुझे बताऊं। ओ भैन, मैं नहीं किया पुलिस नु काशिफ दा, ओ आप ही फड़ के ले गए ने। पुलिस को तुम लोगों ने ये नहीं कहा कि वो काशिफ जो है वो जवारी है? ओ मैंने जवारी नहीं कहा, मंगनी उसने नहीं, मैंने थोड़ी थी, मैंने अंगूठी उठा के उसके मुंह में मारी थी। वो पुलिस वाले ने हमको बोले कि जब तक लड़की नहीं मिलेगा हम तुम्हारे घर में रहेगा। क्या हमारे, हम तुम्हारे घर ही आ रहे, रुको जरा। ऐसे गाड़ी में आके क्यों बैठ गए आप? लैला कहाँ? कौन लैला? शादी होने लगी है मेरी, तो ड्रामा नहीं चाहिए मुझे कोई, समझ आइए। मैं पूछ रही हूँ क्या है, मेरे घर से मिला मुझे तो बताओ। निका नाम है तेरी बेटी का। बस वही आखिरी मुलाकात थी हमारी, फिर नहीं मिला उस समय, ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक कर दिया। और ब्रेकअप के लिए तुमने होटल का इंतखाब किया, उसे फैक्ट्री से पिक किया, फिर उसे होटल लेके गए, वहाँ ब्रेकअप किया। बड़ा एहतमाम है भाई तेरा, अपने जैसा गधा समझा हुआ है हमें। ये ब्रेकअप तो फैक्ट्री में भी हो सकता था, गाड़ी में, फोन पे, और जो इतनी झूठी कहानियां तू सुना रहा है इसका एक भी तेरे पास सबूत नहीं है। तेरे फोन में एक चैट नहीं है लैला की, ना कोई कॉल रिकॉर्ड है। बाप का किसी से ब्रेकअप होता है तो आप उसकी चैट सेफ रखते हैं। चैट डिलीट कर दी मैंने, ब्लॉक कर दिया उसे। 4 घंटे जाया कर दिए इस आदमी ने मेरी जिंदगी के, लेकिन सच नहीं बोला इसने। सर आज आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रुकिए, इनको ठंडे फर्श पे लिटाओ और पेलो। नहीं, क्या मतलब पेलो भाई, टैक्स देता हूं मैं। अच्छा, रात को अगर टैक्स की बात करें तो और मारना। सही है, चलो। ओए नारो, लग जाएगा पता, अब पुल जोर ला ही रही है। अल्लाह जोर दी कितने डिगे, अल्लाह करे, मैं तो अल्लाह को दुआ मांग रही है, अल्लाह करे मर जाए, ओते ही दफन हो जाए तेरा कोनी। ना ना हो जी, गल नहीं करी थी, इकलौती थी ये तेरी, बस एक बारी मिल जाए उन्हें आराम से मार लांगे, नाले कुछ सुराग भी तो नहीं मिले ना कि वो नस गई है। मैंने तो इंज लगता है किसी ने धोखा दे के उन्हें अगवा कर लिया। मेरी थी अरे कितने होनी ते और की कर रही हो, ए हो जी तसल्लियां ना दियो मन, मैनु भी ए हो तसल्लियां सब, पर हुन ते पर ओ पर हुन की पता चलिया, दस कुछ नहीं पता। गल सुन, दस की पता चलिया, ओए लैला नूं लब्भण च सुराग लब जाएगा। सर जी रुकिए, सर मुझे आपसे बात करनी है। रुकिए अभी नहीं, केस किसी करवट बैठे तो मैं तुमसे बात करूं। सर, उसका इकबाली बयान आज हो जाए, मुझे उम्मीद है रात के बाद कुछ बेहतरी आई होगी। सर मुझे केस के बारे में आपसे बात करनी है। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्या हुआ? सर मैं लालची नहीं हूँ सर, वो थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी सर। सर वो औरत मेरे पैरों में बैठ गई सर, माफ़ियाँ मांगने लगी, अल्लाह रसूल के वास्ते भी दे रही थी सर। मैं खुद बेटी वाली हूँ ना सर, तो जज्बाती हो गई, इसलिए गलती हो गई सर। पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो रुकैया, खुल के बताओ क्या बात है। सर उस दिन जब मैं लैला के कमरे की तलाशी ले रही थी ना सर, तो मुझे वाकई कुछ ऐसा मिला था जिससे केस का रुख ही बदल जाता। लग गया पता अपनी बेटी के करतूतों का।
हाँ जी मैडम जी, लग ही गया पता, बल्कि पता ही लग गया। ओहो बीबी, अब ये सबूत जो है ना, ये सरकारी हाथों में, अब कुछ नहीं हो सकता। ना इस तरह ना कहो, इंज ना कहो, तुसी माई बाप, सब कुछ हो सकता है। मैं पूरा यकीन, तू भी माँ है, तेरी भी कोई धी होनी, तू भी धी की माँ होनी, तेन उस धी का वास्ता, अल्लाह दे बाद तेन अपनी बेटी का वास्ता, तेरी इज्जत रख ले। और ये बात तुम अब बता रही हो? सर गलती हो गई सर, पर उस गलती का एहसास भी तो हो गया है सर, मैं जज्बाती हो गई थी सर। पैसे कितने लिए थे उस औरत से? पैसे 3,000 रुपए से। शर्म करो रुकैया, 3,000 रुपए के लिए तुमने फर्ज से गद्दारी की। सर अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको कुछ भी ना बताती, मैं बस जज्बाती हो गई थी सर। तुम जज्बाती हो गई थी या तुम लालची हो गई थी? समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूं। हाय हाय फरीद भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? और दुकान भी बंद है। चलो छोड़ो, एक सिगरेट तो पिलाओ। और जाओ अनुष्का, मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले मोहल्ले वालों ने इतना उधार चढ़ाया हुआ है, सामान नहीं है दुकान में, बंद है। फरीद भाई दुकान बंद की हुई है, खैरियत तो है? आप लोगों की वजह से इतना उधार चढ़ गया है, पहले हिसाब क्लियर करो फिर सामान लाऊंगा और दुकान खोलूंगा। हमारी वजह से बंद की हुई है या कोई और वजह है? कहा ना पिछला हिसाब क्लियर करो फिर दुकान खोलूंगा, जाओ जब मेरा दिमाग ना खराब करो। अच्छा अच्छा दे देंगे, ज्यादा चिड़ो नहीं। हाय हाय कर लो आपा, क्या हुआ, क्या सुबह सुबह मियाँ से लड़कर आई हो? देख अनुष्का मेरे मुंह ना लग। हाय तुम्हारा मुंह को इतना प्यारा भी नहीं है। और फरीद भाई तुम क्या इन औरतों की बातों में लगे हो? मैंने कुछ कहा है तुमसे? देख अनुष्का बदतमीजी मत कर, तू जानती नहीं है हमें, हम चाहे ना तुझे इस मोहल्ले से निकलवा देंगे, शरीफों का मोहल्ला है ये। हाय शरीफों का मोहल्ला, इतना शरीफ है ये मोहल्ला कि यहाँ की लड़कियाँ घरों से आए दिन उड़ जाती हैं। वो तो नुजहत कैंची की बेटी थी आवारा, उसके तो शुरू से लच्छा नहीं ठीक नहीं थे। क्यों फरीद भाई, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ 570 रुपए हो गए आपके। ये रखो 70 रुपए और 500 मेरे हिसाब में लिख देना, दे देंगे। वैसे लैला के चक्कर में दो लोग अंदर हो चुके हैं, अब पता नहीं अगला नंबर किसका आएगा। ओ जा अनुष्का मेरा दिमाग मत खराब कर, जा मर जा कहीं जाके, निकल अब। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। एक मिनट। ओ भाई, सब सच बता दो दिया, फिर मार क्यों रहे हो? सच है ये सच है। अल्लाह, ये क्या है फिर अगर वो सच है तो?
उठा उठा रहा उठा रहा हूँ। क्या है ये? तेरे गुनाहों के सबूत हैं। एक मासूम लड़की को वरगला के उसे शादी का वादा करके गलत नाम दर्ज करवा के ये जाली निकाह किया तूने। ये निकाह पर मुझे तू बकवास कर रहा था कि तूने उसको शादी से मना कर दिया था। जब उसने कहा होगा कि निकाह जाली है, जब उसने कहा होगा कि निकाह जाहिर करो, तूने उसे रास्ते से हटा दिया। कहाँ लड़की? हाँ आप खुश हो? खाओ खाओ पिघल जाए। मेरी बेटी तो बहुत समझदार है ना, फिर आयजा को क्यों मारा? आयजा ने पहले मुझे बहुत मारा था, फिर मैंने उससे बदला लिया। तो बेटे अगर ऐसी बात थी तो मामी को बताती या मुझे, खुद थोड़ी मारते हैं। मामी भी बहुत गंदी हैं, क्योंकि वो आयजा की मामा है। वो आयजा को तो कुछ नहीं कहती हैं, मुझे ही मारती हैं और डांटती भी हैं। मामी मारती? मामा ये देखें। और आपको पता है कल मैंने उनसे खाना मांगा था, मुझे भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा था कि सबके साथ खाना, मुझे नहीं रहना इन लोग के साथ, मुझे आपके साथ जाना है। हाँ बेटा मम्मा बाद में साथ ले जाएंगी, अभी काम पे जाती है ना मम्मा, सैड नहीं होते। मम्मा बात करेंगी मामी से। वो देखो सामने, जाओ जाके देखो बर्ड्स ने खाना खाया कि नहीं। अम्मी अम्मी मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्ची के साथ एक ऐसा सलूक होता है, अपनी बच्ची के खाने पीने का खर्चा खुद देकर जाती है, उसके बावजूद उसे भाभी भूखा रखती है। नहीं अम्मी मैं शिकायत नहीं कर रही, पर उसके साथ जो सलूक होता है वो आपसे छुपा हुआ तो नहीं है? आप कम से कम उनसे बात तो कर सकती हैं ना। ठीक है अम्मी, तो फिर मैं रात को आके खुद भाभी से बात कर। नहीं अम्मी ये थाने दारने वाला रोप की कहाँ से बात आ गई अम्मी? मेरी बच्ची से ज्यादा तो आप में बचपना भरा हुआ। मत रोइए, ठीक है नहीं करूंगी इस बारे में बात। ठीक है अम्मी नहीं करूंगी भाभी से बात में इस बारे में, तक बर्दाश्त कर लेती हूँ जब तक नया घर नहीं मिल जाता। नहीं हम खाना खा कर आएंगे, रखती हूँ। मेरा बच्चा मजा आया ना बर्ड्स ने खाना खाया? जी मेरी बच्ची तो बड़े होके क्या बनेगी, फाइटर? बिल्कुल मामा की तरह। मामा की तरह पहला पता होता तो मैं पुलिस थाने से चक्कर च पैना ही नहीं, मैं दुनिया वाले नु कह देना सी कि साडी कुड़ी साडे लई मर गई जे, मर गई। आप नहीं समझ आ रही उन्हें हरकत की थी क्यों, जो जी मंगनी टूटी सी आप नहीं परेशान। एक बारी ते अपनी मां नु दस दें दी, मैं किसी चोर चक्के ओदा हाथ फड़ा दें दी कर दें दियो। लुके निकाह करन दी की जरूरत सी, लुके निकाह करन दी की जरूरत सी, कितने जावा मैं की करा। ओए जिन्हें आराम खान का शौक पै जाए उनको हलाल अजब नहीं होता, उन्हें साडा बुढ़ापा खुआर करना सी।
कर गई जी ख्वार, साधु कर गई जी ख्वार, मेरे लिए मर गई, मेरे लिए मर गई है, मर गई है, मेरे लिए मर गई है। तू नहीं मरता कितने, रुकैया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब उसका निकाह हुआ तो उससे पूछा गया होगा ना, उसे तब भी शक नहीं हुआ कि लफंगा एक दो नंबर निकाह कर रहा है फर्जी नाम लिखवा के? सर हो सकता है कि उस लड़की को कोई कहानी सुनाकर बहला लिया उसे, ये भी हो सकता है कि निकाह खां को कुछ पैसे दे दी हूँ, जब निकाह पढ़ाया हो तब नाम असली और जब दस्तखत लिए हो तो नाम फर्जी हो। ये तो निकाह खां ही उगलेगा। भेज दिया सर, लोग लेके आते ही होंगे उसे, अगर तो निकाह नामा पे लिखा नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर असली है सर, ये भी तो हो सकता है सर कि वो सब कुछ भी फर्जी है। चले फर्जी हो या असली, ये एक बहुत बड़ा सबूत। थैंक यू वेरी मच रुपया, अगर वो ज्यादा शोर करे तो मारना। अपने पैसे, रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी ना मुझे तुम? कोशिश नहीं कर रही थी, दे दिए थे तो तूने रख भी लिए थे, अब अपनी जुबान से फेर रही है ये। और तुमने तो वादा किया था मेरी बीवी के साथ कि तुम इस बात को सामने नहीं लाओगी, अब वादा खिलाफी कर रही हो। सुनो बीबी, हम शरीफ लोगों के लिए जुबान की बड़ी अहमियत होती है। ओए, शराफत की बात ना ही कर तो बेहतर है, तेरे मुँह से अच्छी नहीं लग रही। ये जो सारी बातें मुझे सुना रहा है ना, अपनी बेटी की थोड़ी सी तरबियत की होती ना तो ये ना होता, शराफत की बात करता है। मैडम जी मैं तुझे बता रही हूँ, पहले भी बताया 100,000 दफा बता रही हूँ, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और मैं बता रही हूँ ना, उसने छुप के शादी की होगी, ना वो किसी के साथ भागी है, और उसको पता है उसके माँ प्यो उसके किसी काम के बीच में नहीं आएंगे, तो उसको दौड़ के शादी करने की क्या जरूरत है, क्यों छुप के शादी करेगी वो, बताते हैं क्यों नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, और जो सारे सारे सबूत मिले ना, ये अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि क्या सच है क्या नहीं, समझी ना? उसमें साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी लड़की का किसी अजीम नामे लड़के के साथ ना चक्कर था, उसे छुपकर मिलती थी अकेले में, और फिर अजीम ने खुद इकबाले जुर्म भी कर लिया है कि उसने लैला से निकाह किया था, अब बस बरामद करना बाकी है, समझी? और कोई जरूरत नहीं है बरामद कराने की, पता नहीं वो किसके साथ मुंह काला करती फिर रही है। चुप कर जा, मुंह काला करके मुंह काला करे उसके दुश्मन। ओए बंद करो अपना झगड़ा, और पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, अपना काम करो। आता हो तो अपना काम भी कर ही लेते। उठो सेठ साहब। जी चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारे उससे ताल्लुकात थे, जाली सही निकाह तो किया था भाई, अब ये भी बता दो कि कहाँ छुपा के रखा है उसे। नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? मतलब ये है कि उसने आना था मुझसे मिलने के लिए, मैं वहां इंतजार करता रहा, वो नहीं आई, मैं करता रहा इंतजार, फिर पता चला कि वो कहीं लापता हो गई है। झूठ बोल रहा है, क्या कसम खाई हुई कि जब तक 2-2.5 घंटे की तेरी परेड नहीं होगी उसके बाद भी तू किस्तों किस्तों में बताएगा सच? हाँ जो सच था बता दिया है, जो सच था बता दिया है। तुम्हें अगर लगता है कि खुफिया निकाह करना छोड़, मैं तो डाल दो जेल में। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है तुमने उसे घर से भगा के कहीं बेच दिया, फिर मार के कहीं फेंक दिया। ये लगता है ठीक है, जो तुम्हें लगता है वो ठीक है।
बस खुश। अब जिस जुर्म में मुझे जेल में डालना है जेल में डाल दो, फांसी चढ़ानी है फांसी चढ़ा दो, उम्र कैद करानी है उम्र कैद करा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गई है। मैं नहीं जानता उसके बारे में कुछ। तुझे पत्थर, तुझे फांसी देने से अगर उसकी बरामदगी होती ना तो 200 दफा फांसी देता तुझे। सर जी इनकी मुलाकात आई है। कोई मुलाकात नहीं, जाओ यहां से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए हो यहाँ पे? नहीं, बंद करो इसे, आइए। मेरी बात सुनो, ये नहीं करो। मेरी बात सुनो, चल। जी, मैं सबा, इनकी बेटी लैला की दोस्त, मैं बयान लिखवाने आई हूँ। व्हाट, ये क्या? गिरफ्तार किए बगैर कैसे बयान लिखेंगे बीबी, ले जाए। सबा, सबा क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मना किया था ना मैंने, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। सबा, शाइस्ता। जी सर। बुला के लाएं इसको। बताएं क्या बयान देना चाहती हैं आप? मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बयान है? बाबा का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो लैला के साथ कभी अकेले में मिले भी नहीं हैं। अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हारी ये कोशिश बेकार है बीवी, क्योंकि वो इकबाल जुर्म कर चुका है। इकबाल जुर्म समझती हो? इकबाल जुर्म यही कि तुम्हारे बाप का और लैला का मुआशका चल रहा था, दोनों ने निकाह भी किया था जिसमें फर्जी नाम इस्तेमाल किए थे, बोगस निकाह। नहीं, झूठ है ये सब। मैं जानती हूँ बाबा को, मैं जानती हूँ बाबा को, उन्होंने सब ये सब दबाव में आके कहा होगा। अच्छा, हमारे दबाव में आके वो लैला को लेके होटल भी चला गया और वहां पे सबूत के तौर पे सीसीटीवी कैमरा में। एक मिनट रुकिया, बात हो रही है। वो वहां गए थे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। सही कह रही हैं आप, हम ही गलत सोच रहे हैं। आपके अब्बा तो वहाँ ट्यूशन पढ़ाने गए थे बड़े नेक मकसद से। हम ही गलत सोचते हैं, हमारी सोच गंदी है। वो तो बहुत ही नेक और पारसा आदमी है, ऐसा ही है। सर वो निकाह नामा मैं, बात हो रही है ना? देखो बीबी, तुम हमारा और अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। तुम्हारा बाप सब कुछ कबूल चुका है, अब सिर्फ लड़की की बरामदगी बाकी है। और एक दफ़ा लड़की बरामद हो गई तो वो बता देगी कि ये निकाह उसने अपनी मर्जी से किया या जबरन हुआ। सर मैं, आप बता दें। सर मैं इसी निकाह नामे के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। सर ना ही वो निकाह नामा फर्जी है और ना ही उस पर नाम फर्जी है सर। बस वो लैला और अजीम का नहीं है बल्कि सबा और कैस का है। कैस ना मालूम है सर, और सबा अजीमुल्ला मुलजिम अजीमुल्ला की बेटी है सर, ये जो आपके सामने बैठी है। हाँ भाई, इतने प्लॉट ट्विस्ट तो फिल्मों में भी नहीं होते। सबा जी, कितनी सिगरेट पीनी है?
सियार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब जब फैसला कर ही लिया है तो डट ही रहे ना, घबराने की क्या जरूरत है? घबराने वाली बात तो है लैला, फैसला करना अलग है और उस पर अमल करना अलग। इतना हौसला कहाँ से लाऊंगी मैं? और अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। निकाह ही तो कर रही है तू, कोई गुनाह थोड़ी। और उस बेचारे कैस ने कोई कम कोशिश तो नहीं की ना तेरे घर वालों को मनाने की? कितनी बार उसने रिश्ता भेजा, अब तो यही रास्ता है तुम दोनों के पास। मैं अब भी डामाडोल, निकाह तो शायद मैं हिम्मत करके कर ही लूँ, लेकिन उसके बाद घर वालों को कैसे बताऊंगी? सबा, हिम्मत तो तुझे करनी ही पड़ेगी। कैस की मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए तेरी खातिर ये सब कुछ कर रहा है। और जब एक दफा निकाह हो गया, वो निकाह नामा लेकर आ गया अजीम सर के सामने, तो वो क्या ही कर लेंगे? सिर से स्वाद नहीं पाना ना। अपनी इज्जत बचाने के लिए ना तुझे उसके साथ रुखसत करना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, डर मत, यही एक रास्ता है तुम दोनों के पास। इसी तरीके से ना तुम लोगों को अपनी मोहब्बत मिल सकती है। एक दफा हिम्मत कर ले, एक दफा। आगे ना रास्ता आसान ही आसान है, वरना पूरी जिंदगी पछताएगी। तो मेरा साथ दोगी ना? तेरी दोस्त हूँ, तेरे हर कदम पे, तेरे हर फैसले पे मैं तेरे साथ हूँ, अकेली नहीं है तू। बाबा जो मेरे साथ करेंगे सो करेंगे, मुझे डर है कि हैरत के चक्कर में कैस को जान से ही ना मार डालें। चले, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। तेरे बाबा तो इतने स्वीट से हैं, इतने क्यूट से हैं, कोई गुंडे बदमाश थोड़ी हैं। मैं भी कातिल बना दिया उन्हें किराए का। तेरे वहम है सब। चल ना, ख़त्म करना, इसे 10वें फ्लोर पर लेकर आई है इसके लिए। वो मेरी राजदार थी हमेशा से, अंधा एतमाद था मुझे उस पर, सगी बहनों से ज्यादा समझती थी मुझसे। उसी ने मुझे ये हौसला दिया, वरना शायद मैं कभी इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं पाती। तो ये निकालनामा तुम्हारा और क्या नाम है उसका? कैस सर। कैस का तो गवाह कौन है? वो लाया था, अपने दोस्त को लेकर आया था, और उसका एक कज़न भी था, और चाचा भी निकाह में शामिल थे, और मैं और लैला हम दोनों। अभी कहाँ मिलेगा कैस? सर, मेरा और कैस का निकाह एक बिल्कुल ही अलग मामला है। लैला की गुमशुदगी से कैसा कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज़ उसे छोड़ दें। पहले ही बाबा बहुत ज्यादती कर चुके हैं उसके साथ। काम तो उसने जूते खाने वाला ही किया था, क्या चाहती है? तेरा बाप उसको कंधे पे बिठा के नाश्ता। मोहब्बत करना क्या जुर्म होता है? मोहब्बत? चल बेटा, तेरी मोहब्बत मैं बताती हूँ। चल चल चल, उठ उठ उठ। कैया, मैं सच बोल तो रही हूँ। निकाह वाली बात खुलते ही बाबा ने कैस को बहुत मारा, धमकियां दी और जबरदस्ती उससे तलाकनामा पे साइन भी करवा लिए, और वो शहर छोड़ के चला गया है। उसने मुझसे कोई रابطہ नहीं किया, और ना ही मैं चाहती कि मुझसे कोई रابطہ करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो कोई मुसीबत में आए। हाँ, लेकिन लैला से कभी कभी मेरी खैरियत मालूम कर लेता है। चलो, इस बयान से ये तो साबित होता है कि निकाहनामा तुम्हारे बाप का और लैला का नहीं है, मगर इससे तुम्हारे बाप की बेगुनाही तो साबित नहीं होती। लड़की, तुम केस को बहुत उलझा रही हो। उलझ आप रहे हैं सर। इस फुटेज में आपने बाबा और लैला को रूम में जाते हुए देखा होटल के, लेकिन अगर आप एक घंटे पहले की फुटेज निकालें तो आपको दिखेगा कि मैं और कैस वहां मौजूद थे। बाबा तो मुझे रंगे हाथों पकड़ने आए थे वहां। लैला और तेरा बाप? ओए, लैला तेरी दोस्त है तेरे बाप की? मेरी दोस्त है वो, और उसने मेरी मुखबड़ी करके मेरे बाबा को वहां ले आई। उसने मुझे धोखा दिया है, एतबार तोड़ा है उसने मेरा। लैला ने तेरा एतबार तोड़ा है ना? अगर ये सारी बातें झूठ हुई ना बेटा, तो मैं तो तेरी हड्डियां ही तोड़ूंगी, समझी? हड्डियां तोड़ूंगी तेरी। सॉरी सर, सच बोल रही हो।
एक बात बताओ, आजकल तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? नहीं सर। अब गूंगे मन के क्यों बैठे हो? जो भी बोलना सच बोलना, क्योंकि तुम्हारी बेटी की गवाही और निकाहनामे की तस्दीक से सारा सच सामने आ गया। और ये बकवास तो करना नहीं कि वो कहानी गढ़ रही है तुम्हें बचाने के लिए, बल्कि तुम कहानियां गढ़ रहे हो उसे बचाने के लिए। और वो दोनों कहानियां भी झूठी थी, जिसमें से एक कि वो तुम पे डोरे डाल रही थी और तुम पारसा बन के बचने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी कि तुम्हारे और लैला के दरमियान कुछ चल रहा था। अब मुंह से फूटो। पहले भी जो कहा था वो सब सब सच था, मेरे और लैला के ताल्लुक के बारे में। पेशकदमी लैला की तरफ से हुई, पूरे पूरे सिग्नल देती थी मुझे, सिर्फ मेरे बहकने की देर थी तो शायद जो दूसरी कहानी है ना ये भी सच हो जाती। ऐसा क्या हुआ रुक सा गया, चलता हुआ वक्त यही, जिस दिन से देखा है तुझे वैसा ना रहा जैसा था कभी। सारी सारी रातों को मैं जागता, रब से दुआ में तुझे मांगता, जानू ना मैं अब क्या है ये माजरा, लगता है यूं मुझे मुझे प्यार हो गया। वो मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो तेरी महकने लगी है, ये जिंदगी मेरी है जब से तू मिला, महसूस करने लगा हूँ तुझे मैं, मौजूद भी नहीं ये क्या है सिलसिला, कैसी ये बनाई तूने दिल में है जगह, बस अब तुझसे हाँ तुझसे हूँ जुड़ा। सारी सारी रातों को मैं जागता, रब से दुआ में तुझे मांगता, जानू ना मैं अब क्या है ये माजरा, लगता है यूं मुझे मुझे प्यार हो गया। वो वो कैसे बहकाती थी और तुम कैसे बचते थे, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सच बोलो, ये बताओ कि तुम और लैला उस होटल तक कैसे पहुंचे, तुम्हारी बेटी जो लैला की इतनी गहरी दोस्त थी, फिर लैला उसके खिलाफ होकर तुम्हारे साथ कैसे खड़ी थी, ये बताओ।
ये देखो हाथ जोड़ा हूँ तुम्हारे सामने, हाथ जोड़ा तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारी माँ बहन बेटी, उनका वास्ता देखे कह रहा हूँ। ये जो भी मामला है इसमें से मेरी बेटी को निकाल दो, उसका नाम मत घसीटो इसमें, मत कुरेदो इस मामले को ज़्यादा। जो जुर्म मैंने नहीं किया उसकी पादाश में फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार हूँ मैं, बस मेरी बेटी को हटा दो इस मामले से। मैं नहीं चाहता मेरे खानदान का नाम खराब हो, मेरी बेटी का नाम खराब हो। एक बात तो तू समझ ले कि ये भी एक लड़की का ही मामला है, गवाही तो तुझे देनी पड़ेगी और वो भी सच सच। हाँ मैं ये वादा कर सकता हूँ कि इस तफ्तीश से कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी, मगर अगर तू ऐसे ही डिटाई पे अड़ा रहा ना तो फिर मजबूरन मुझे सच तेरी बेटी के मुंह से ही सुनना पड़ेगा। मैं बताता हूँ सच क्या है। Thank you.